घूमने का सबसे बेस्ट और आसान तरीका होता है टूर पैकेज। आपके सभी ट्रैवल अरेंजमेंट आपका ट्रैवल एजेंट देखता है। कभी आप ट्रैवल एजेंट के फ्रॉड में फंस जाते हैं और आप कुछ भी नहीं कर पाते। हेलो गाइज, मेरा नाम है सुनील ठाकुर और आप देख रहे हैं क्रेजी फॉर हिमाचल। मुझे इंस्टाग्राम में एक सब्सक्राइबर का मैसेज आता है कि उनके साथ जो है ट्रैवल एजेंट ने जो है फ्रॉड किया। तो ट्रैवल एजेंट ने जो होटल उनको आइटनरी में दिया वो अलग था और जो एक्चुअल में जो होटल था वो अलग था। साथ ही में आप जो रूम के हालत देख सकते हो, जो रूम की कंडीशन है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बाद में उन्होंने अपने ट्रैवल एजेंट को बोला कि रूम चेंज कर दो, लेकिन ट्रैवल एजेंट ने जो है मना कर दी कि रूम अब चेंज नहीं होंगे। पैकेज में जो साइड सीनिंग दी थी वो भी जो पूरी ढंग से नहीं करवाई। इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि उन्होंने जो अपना पैकेज बीच में ही छोड़ दिया। ये कोई सिंगल कंप्लेंट नहीं, बहुत सारी कंप्लेंट आती है ट्रैवल एजेंट के फ्रॉड के ऊपर। सारे ट्रैवल एजेंट आपको ऐसे मिलेंगे जिनको जो है सर्विस से कोई लेना नहीं। एक बार जो पैसा मिल गया उसके बाद जो है आप बाहर में जाओ, उसके बाद सर्विस से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये आपको जो है 3-स्टार होटल बोल के आपको बाद में जो चीप बजट होटल है वो आपको चिपका देंगे। साथ ही में जो है जो टैक्सी ड्राइवर उनकी ज़्यादा गिरी चलती है, पेट्रोल बचाने के चक्कर में वो आपके टूर की ऐसी ऐसी कर देते हैं। तो मैक्सिमम टूरिस्ट यार कुछ नहीं बोल पाते क्योंकि वो ट्रैवल एजेंट के भरोसे आए होते हैं और ट्रैवल एजेंट पहले ही अपने हाथ खड़े कर देता है। फिर वो बेचारे जाए तो जाए कहाँ, किसके पास जो अपनी शिकायत डालें। इस वीडियो में आपको बताऊँ कुछ ऐसे टिप्स, अगर आप जो टूर पैकेज ले रहे हो तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। टिप्स जो है फ्रॉड के रिस्क को बहुत ज़्यादा कम कर देगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और जो है वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट टिप है, जब भी आप टूर पैकेज लें तो एक बार गूगल सर्च जरूर करें और जो रिव्यूज़ जरूर चेक करें। जिस भी कंपनी से आप टूर पैकेज ले रहे हो तो उसका रिव्यू एक बार आप जरूर चेक कर लें। मिनिमम रिव्यूज़ जो 1000 होने ही होने चाहिए और जो रेटिंग 4 से ऊपर होनी होनी चाहिए। अगर जो है 4 से नीचे रेटिंग है तो मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो है उनसे टूर पैकेज ना लें। अगर जो 50-60 की रेटिंग भी हो फिर भी आप जो उनसे टूर पैकेज बिल्कुल भी ना लें। तो नेक्स्ट टिप है, अगर आप जो हिमाचल का टूर प्लान कर रहे हो तो जो अपना टूर पैकेज हिमाचल की कंपनी से लें। अगर आप शिमला आने के लिए दिल्ली से टूर पैकेज ले रहे हो तब आपको जो है दिक्कतें आ सकती है। एग्जांपल के लिए अगर आप जो शिमला का टूर प्लान कर रहे हो तो जो है आप जो टूर पैकेज शिमला की कंपनी से लें, क्योंकि अगर बाद में कोई दिक्कत भी हो सकती है तो अब आप जो वहीं पर कंपनी में जाके आप जो अपना इशू रिसॉल्व कर सकते हैं। तो टिप नंबर 3, तो मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि पुलिस जो डायरेक्ट इंटरफेयर करती है। अगर जो है किसी का टूर ख़राब गया, अगर वो कंप्लेंट FIR करता है तब जो पुलिस डायरेक्ट जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। तो तभी मैंने पहले बोला था कि जो है पैकेज आप वहीं से लें जहाँ से जहाँ पर आप जा रहे हो। अगर जो है दिल्ली का ट्रैवल एजेंट हुआ तब जो शिमला पुलिस क्या करेगी, अगर जो शिमला का ही ट्रैवल एजेंट हुआ तब वो जो है उनको कॉल करके बुला के आपके साथ जो है फेस टू फेस आपकी बात करवा देंगे, वहीं पे आपका इशू जो है रिजॉल्व हो जाएगा। चलिए बात करता हूँ लास्ट टिप की, और ये सबसे मेन और इफेक्टिव टिप है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, जब भी आपका जो है टूर स्टार्ट होगा उस टाइम आपको जो है अपने पास थोड़ा सा प्रूफ रखना है। अगर होटल कोई दिक्कत होगी उसका भी थोड़ा बहुत प्रूफ रखना है। अगर आपका ड्राइवर कोई मिसबिहेव करता है उसका भी जो है आपको प्रूफ रखना पड़ेगा। हर स्टेट का एक टूरिज्म डिपार्टमेंट होता है जो कि अपने स्टेट में टूरिज्म को रेगुलेट करता है, जैसा कि गुजरात का गुजरात टूरिज्म हो गया और हिमाचल का हिमाचल टूरिज्म हो गया। तो आप जो है वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं। तो कंप्लेंट कैसे करें, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस एक मेल लिखना है, जो जो भी आपके साथ हो वो आपको जो है सारा उसमें मेंशन करना पड़ेगा। साथ ही में अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप जो है उसको फाइल भी अटैच कर सकते हो। यकीन मानिए आपका जो है इशू 1 वीक से लेकर 1 मंथ के अंदर आपका जो है रिजॉल्व हो जाएगा। खुद ट्रैवल एजेंसी में काम किया, बहुत सारे लोगों का पैसा भी जो है रिफंड हुआ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त जो रिलेटिव हैं उनको भी जो पता चले कि ट्रैवल एजेंट के फ्रॉड से कैसे बचा जा सके। तो ये आपके लिए कभी भी काम आ सकती है फ्यूचर में, चाहे आप जो है कभी भी आप जाओ कहीं भी जाओगे तो ये आपको जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो अगर आपके इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हो आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।